बड़ी खबर औरैया से आ रही है। आपको बता दें पुलिस पर दलितों के उत्पीड़न का आरोप लगा है। दलित युवक का नदी में शव मिलने का ये पूरा मामला है। हत्या कर शव को फेंकने का आरोप लगाया गया था, तो पुलिस पर हत्या आरोपी को बचाने का भी आरोप लग रहा है। मृतक के पड़ोसी दलित युवकों को थर्ड डिग्री दी गई है। दोस्तों से फर्जी बयान भी दर्ज करवाए गए हैं, तो एक गंभीर आरोप यहाँ पर लोगों के द्वारा पुलिस पर लगाए गए। नहाते समय डूबने से मौत का बयान करा रहे हैं पुलिसकर्मी और आरोपियों को बचाने के लिए फर्जी बयान दर्ज करवाए गए हैं। तो गन रॉड, बिजली शॉक और पट्टे से पिटाई भी की गई है। तो आपको बता दें दो लड़कों की हालत गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में भर्ती कराया गया। यार अब जी घर से उठा ले गई थी और हमसे ये पूछा कि तुम नहाने गए, तुमने मना किया, तो वो बोले झूठ बोल रहा है, हमको बहुत मारा पट्टे से, गरम रेड छुआ दी, करंट लगाया और उसके बाद पुरा पे लगा के वहाँ पर भी मुर्गा बना के मारा। बोले तो तुम ये कहो कि अजय तुम्हारे साथ नहाने गया था और वहीं पर डूब के मर गया। वो ये कहलवाया कि बता तुम पुरा नहाने गए थे, हमने कि हम नहीं गए थे, बता तुम गए थे, बता फिर मुझे मारने लगी और वहाँ पे पुरा पे लिवा गई और पुरा पे भी मारा। बता यहाँ तुम बता नहाने आए थे, हमने कहा हम साहब नहीं आए थे, फिर वहाँ भी मारा। बता इसका एनकाउंटर कर दो, बता इसका मार दो, बता और इनते कही कि हाँ इनते लोगों ने कही हाँ करो, इन्हें लोगों ने हाँ कर दी। क्या कहने के लिए कह रहे थे, क्या कहना है तुमको? अजय को पाए फिसल गु इनते कही जा बात। अच्छा अजय कौन? अजय हमारे दाऊ का लड़का है। अच्छा जो खत्म हो गया था। हाँ ले कई 3 बजे रात में उठा ले गए हमको और पूछा कि ऐसे ऐसे कहोगे कि और आप नहाने गए थे और अजय साथ में थे, उनका पैर फिसल गया और डूब के मर गए। जब मैंने कहा मैं ये नहीं कहूँगा, मैं गया नहीं, हमारे घर में समर लगा है, मैं पराप नहाने क्यों जाऊँगा, तो उन्होंने मारा मुझे बहुत, परापे लेवा गए, परापे मारा मुझको, कहा धमकी देंगे गोली मार देंगे। देख मेरे बच्चे को 3 बजे रात में मेहनत घोषित करके छोड़ गए, मेरे बच्चे को इतना मारा, मेरा बच्चा टीवी का बीमार सर, देख 20 किलो उसके शरीर के अंदर वजन नहीं है, 4-4 पुलिस वाले खड़े हुए मेरे बच्चे को मारा, जब वो बेहोशी की हालत में हो गया दुर्गा मेडिकल मतलब दुर्गा ब्रिज हॉस्पिटल है उसमें ले गए सर, किसी डॉक्टर ने उसको दवाई नहीं दी, पुलिस वालों ने 3 गोलियां जबरदस्ती खिला के उसको 1 गिलास पानी पिला के, देख 4:30 बजे मेरे लड़के को मेरे दरवाजे पे खिड़की खोल लात मार के गिरा के गाड़ी लेके हाल भाग गई। 18 तारीख के पकड़ के और जिन्हें हत्या कर दी और पूजा और सदर ठाकुर और अजय को लेके गई छल्ला रोड गई। अपराध की सूचना आपको कुछ लोगों द्वारा दी गई थी, कैसे जानकारी हुई? हमें जानकारी भाई इन लोगों ने वो बताया तो हमने मतलब रिपोर्ट करी, तो माई सुनाई नहीं भाई, 100 नंबर फोन किया, 100 नंबर आई, साहब इनको उठा ले गई और पुरा में इन्हें मार गए, 5 दिन बाद उनको मट्टी मिली। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बर्बरता की निशानी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें यहां पर थर्ड डिग्री इन युवकों को दी गई है, गर्म रॉड, बिजली शॉक और पट्टे से मारपीट की गई है। आपको बता दें कि आरोपियों को बचाने के लिए फर्जी बयान भी दर्ज कराए गए हैं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर युवकों को पूरी तरह से पीटा गया है। 2 लड़कों की हालत गंभीर बनी हुई है जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो आपको बता दें यहां पर आरोपियों को बचाने के लिए फर्जी बयान दर्ज करवाया जा रहा है। राहुल तिवारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राहुल यहां पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या आपने इस पूरे मामले पर आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? आखिर क्या कुछ वजह है कि थर्ड डिग्री टॉर्चर इन लोगों को किया जा रहा है, क्या जुर्म है इन लोगों का? जी आपको बता दें कि इस मामले में जो है भारत सरकार जो है बोलने से मना कर दिया है और ये बेहद संगीन मामला है जहाँ पर पुलिस की प्रवक्ता सामने आई है। पुलिस द्वारा जो है दलित जो युवक है नाबालिग है, उनको किस तरीके से खींचा गया, बिजली का शॉक लगाया गया है, गर्म रोड से खींचा गया है, पत्ती से खींचा गया और खाने के अंदर बंद करके मारा गया और थाना स्तर नहीं बल्कि सरकारियों का भी नाम लिखा गया है, उनकी संगठन और सबसे बड़ी बात है जब फाइव ने FIR की करने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जगह इन लोगों को जो है मारपीट कर फर्जी बयान कराए हैं।
बिल्कुल राहुल, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में क्या जो मृतक युवक है उसका पोस्टमार्टम कराया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा हुआ है, क्या कुछ कारण रहे जिसके चलते इस व्यक्ति की जान गई है? जी आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी जो है स्पष्ट नहीं हुआ है। जो पुलिस की थ्योरी, पुलिस ने अपनी थ्योरी सिद्ध की है कि इसकी मौत जो है डूबने के कारण हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी सिद्ध नहीं हो पाया है कि इसकी मौत जो है किन कारणों से हुई है। डूबने का कोई भी जो है उसमें स्पष्ट नहीं किया गया है, क्योंकि बॉडी 5 दिन पानी में पड़ी गई थी, वो बहुत ही जो है डैमेज अवस्था में बॉडी जो है मिली थी, इसलिए पोस्टमार्टम में कुछ स्पष्ट ही नहीं हुआ है और ना ही उसका जो है मृत्यु का कारण स्पष्ट किया गया है। पुलिस सिर्फ जो है इन लोगों को जो जबरन मारपीट कर जो है बयान करा दिए हैं, उसी के आधार पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है कि इनकी मौत डूबने से हुई है। लेकिन जो है जिस दिन ये घटना हुई है उसी दिन जिन जो आरोपी है उसके जो भाई का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बता रहा है कि मेरी बहन जो है द्वारा उसको जबरदस्ती जो है बिठा के मोटरसाइकिल पे उसका अपहरण किया गया है, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई जो है ध्यान न देते हुए पुलिस ने जो युवक मृतक था उसके मित्रों के साथ ही मारपीट कर उनसे जबरन बयान कराए। जो जो है इस घटना के बाद से पुलिस की जो है छवि है वो बहुत ज्यादा धूमिल हो रही, जनपद में पुलिस की छवि बहुत ज्यादा धूमिल हो चुकी है। बिल्कुल राहुल, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर परिजनों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ आरोप उन्होंने लगाए हैं यहाँ पर, उनका क्या आरोप है कि किसको बचाने के लिए पुलिस ऐसा कार्य कर रही है? जी परिजनों ने सीधे जो है नाम लिए थे कि कुछ समय पूर्व उनका जो है कुछ लोगों से जो कुछ लोगों ने उनके दरवाजे के मारपीट की थी, जहां पर ग्रामीणों द्वारा उनको बचाया गया और उन्हीं लोगों ने जो है अपहरण कर हत्या की है। जबकि बताया गया है कि 100 नंबर पर सूचना दी गई थी, उन्होंने उठा के थाने ले गई, लेकिन थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और उन्होंने धमकी दी थी जिसकी शिकायत जो है थाने में की गई थी, लेकिन थाना पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जिसके कारण जो है अपराधियों के हौसले बुलंद हुए और उन्होंने अपहरण कर हत्या कर दी। और उसने उनको 5 दिन 6 दिन तक थाने तो रखा गया लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई कुछ भी नहीं की गई है। बिल्कुल राहुल, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पुलिस के ऊपर कुछ गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, क्या इस पूरे मामले का संज्ञान क्या किसी आला अधिकारी ने लिया है? जी अभी तक किसी भी अधिकारी ने इसका संज्ञान नहीं लिया है, कोई भी अधिकारी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है। क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से देखने को मिल रही है और क्या आपने पीड़ितों से बात करने की कोशिश की, उनका क्या कुछ कहना है, कैसे उनको 3rd डिग्री दी गई है, कैसे उसने टॉर्चर किया जा रहा है, कैसे उनके ऊपर दबाव बना करके फर्जी बयान दर्ज करवाए जा रहे हैं? जी सभी जो है भारत समाचार द्वारा सभी जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात की गई, उन्होंने जो है स्पष्ट बताया है कि रात में किसी को 11 बजे, किसी को 12 बजे, किसी को 1 बजे पुलिस उठाकर थाने ले गई और थाने में ये कहा कि पूछताछ के लिए जो है ले जा रहे हैं और परिजनों को वहां से थाने से बाहर कर दिया और इनको जो है बंद कमरे में बहुत बेरहमी से पीटा है, जो एक पुलिस का जो है बहुत ही अमानवीय चेहरा सामने आया है, क्योंकि गर्म रोड से और जो है बिजली के शॉक लगाना और ये तो जो है अपने यहाँ जो है एक से एक नामी ग्रामी अपराधी जो रहे उत्तर प्रदेश में उनके साथ भी ये बर्बरता नहीं की गई है, बिल्कुल जो इन दलित युवकों के साथ की गई है। बिल्कुल और ये सब नए लड़के हैं, 18-20 साल के लड़के हैं, इनका कोई जो है आपराधिक इतिहास नहीं था, कोई कुछ नहीं, सिर्फ जो है पुलिस ने आरोपियों को बचाने के लिए जो ये कृत्य किया है ये बहुत ही अमानवीय और पुलिस को जो है संसार करने वाला है। बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, आप नजर बना के आपसे अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर बरेली से है जहां पर बरेली में मॉब लिंचिंग हुई है और चोर की पीट पीट करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। भीड़ ने पेड़ से बांध करके जम करके इस चोर की पिटाई की जिससे उसकी मौत हो गई। थाने में सुलह के बाद युवक को छोड़ा गया था लेकिन घर पहुंचते ही युवक ने दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज किया गया, आधा दर्जन से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और नलकूप से पंखा चुराने का इस युवक के ऊपर आरोप लगा था। तो बरेली के आंवला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर मॉब लिंचिंग हुई है, एक युवक को पेड़ से बांध करके बुरी तरह से पीटा गया और इसी पिटाई के चलते युवक की मौत हो गई है। तो इसके ऊपर नलकूप से पंखा चुराने का आरोप लगा था जिसके बाद यहां पर कुछ लोगों ने, कुछ दबंगों ने इस युवक को पेड़ से बांध दिया और बुरी तरह से इसकी पिटाई की और इसी पिटाई के चलते इस युवक की मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं कानून को अपने हाथ में लिया गया है, बुरी तरह से इस युवक को पीटा गया है। नशे की हालत में ये नलकूप कॉलोनी में गए और जो वहाँ पर उनके पंखे मोटर और इस तरह के जो पड़े रहते हैं उनमें से इन्होंने एक पंखा निकाला और एक प्लेट टाइप की निकाली, उसे लेकर वो चले गए। पकड़ के लाए जो जिन लोगों ने भाग शोर में जाया था पब्लिक के लोगों ने, वो भी आ गए और इन लोगों ने इसके साथ मारपीट करके ये लोग उसे थाने ले आए। 2 बजे करीब इसे
घर ले गए इसके मिलने वाले वासित के, और बताया जाता है कि 3:30 बजे करीब वह मौत, पोस्टमार्टम कराते ही पता चलेगा कि असली मौत का कारण क्या है। वासित नाम का लड़का था हमारे अनुपुर बस्ती का, और इसको नलकूप कॉलोनी में बेवजह पकड़ के पेड़ से बांधकर पिटाई लगाई चोर कह के, जबकि ये कोई पेशेवर चोर नहीं है, इसके नाम कोई भी औला थाने में मुकदमा नहीं है। इसको इतना मारा कि ये मौके पर ही ऑन स्पॉट इसकी मौत हो गई। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये मर गया तो डायल 100 को बुला के थाने भिजवा दिया। थाने वालों ने उसको मरा हुआ देखा, रिक्शे में लाद के उसके घर भिजवा दिया। जब हम लोगों को खबर मिली तो हम लोग यहाँ आए, हमने अधिकारियों से बात करी, इंस्पेक्टर साहब आ गए, सीओ साहब आ गए, मौके से उन्होंने एक लड़के को पकड़वा भी लिया है, और बाकी और भी कुछ नाम सामने आ रहे हैं। घर वालों से जानकारी लेके आधे घंटे के अंदर हम थाने में तहरीर देंगे, मुकदमा पंजीकृत। कश्यप हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं बरेली में। यहाँ पर जो है एक मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है, जहां पर एक युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। आपसे जानना चाहेंगे सर, पूरे मामले में पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया? देखिए मनीष, बताना चाहूंगा कि अभी जो है 6 लोग नामजद हैं, इसके अलावा अज्ञात हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा जो है आंवला थाना में दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पुलिस की तफ्तीश में अब तक जो खुलासा हुआ है, जो मृतक जो वाशिद है वो नशेड़ी प्रवृत्ति का था, शराब पीता था, और इसी के चलते जो है क्षेत्र में जो है चोरी की घटना में ये लिप्त पाया गया था पहले भी, और कल जो है दोपहर में भी इसको पाया गया कि पंखा और एक प्लेट चोरी करके ले जा रहा था। भीड़ ने वहां से पकड़ लिया, मारा पीटा, पेड़ से बांध दिया, उसके बाद जो है इसकी जो है मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस जो है अभी पीएम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है, क्योंकि उसके बाद पता चलेगा कि क्या है। वैसे अगर एसपीआरएस हमारे बात, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि उसकी जो अब तक की तफ्तीश में जो है उसकी बॉडी पे कोई भी चोट के निशान ऐसे नहीं जिसके कारण उसकी मौत हो सकती है, हल्के फुल्के निशान है, लेकिन पीएम रिपोर्ट का इंतजार है पुलिस को, उसके बाद आगे की कार्रवाई। बिल्कुल जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय। और अब खबर एटा से है, जहां पर लुटेरों ने टेम्पो लूट करके चालक की हत्या कर दी। लुटेरों ने हत्या कर शव को दफना दिया, टेम्पो लेकर के भाग रहे लुटेरों का एक्सीडेंट हो गया और पुलिस ने दोनों लुटेरों को अरेस्ट कर लिया है। तो कल से गायब टेम्पो चालक का शव बरामद हुआ है। आपको बता दें कि धारदार हथियारों से हत्या की गई थी। जयथरा क्षेत्र के काछेला गांव का ये पूरा मामला है। तो इस पूरे मामले में लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि टेम्पो लेकर के भाग रहे थे लुटेरे, तभी उनका एक्सीडेंट हो गया, और सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों लुटेरों को अरेस्ट कर लिया गया है। कल से गायब टेम्पो चालक का भी शव बरामद कर लिया गया। तो धारदार हथियार से युवक की हत्या की गई थी। तो जयथरा क्षेत्र के काछेला गांव का ये पूरा मामला। तो आपको बता दें एटा से खबर है, जहां पर लुटेरों ने टेम्पो लूट करके चालक की हत्या कर दी थी और लुटेरों ने हत्या कर शव को दफना दिया था, और टेम्पो लेकर के भाग रहे लुटेरों का अचानक एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इन दोनों बदमाशों को अरेस्ट कर लिया गया। तो आपको बता दें कल से गायब टेम्पो चालक का शव भी बरामद कर लिया गया है। वहीं धारदार हथियारों से हत्या की गई थी। यात्रा क्षेत्र के काछेला गांव का यह पूरा मामला है। तो एटा से खबर है, जहां पर लुटेरों ने टेम्पो लूट करके चालक की हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि लुटेरों ने हत्या कर शव को दफना दिया था, और वहीं टेम्पो लेकर के भाग रहे लुटेरों का अचानक एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने दोनों लुटेरों को अरेस्ट कर लिया है। आपको बता दें कि कल से गायब टेम्पो चालक का भी शव बरामद कर लिया गया है और धारदार हथियारों से इस व्यक्ति की हत्या की गई थी। तो जयथरा क्षेत्र के काछेला गांव का ये पूरा मामला, जहां पर लुटेरों ने टेम्पो लूट करके चालक की हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले में इन दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की कार्रवाई पुलिस की टीम कर रही है। तो टेम्पो लेकर के अचानक भाग रहे थे लुटेरे, तभी इनका एक्सीडेंट हो गया, और सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों बदमाशों को अरेस्ट कर लिया गया है, और वहीं शव भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। संजीव हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ गए, माफ करेगा, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे सुनील सिंह एसपी हमारे साथ एटा से जुड़ गए हैं। सुनील जी, जानना चाहेंगे सब पूरे में और क्या उस पूरे मामले में और क्या कुछ खुलासा हुआ है और क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की टीम की तरफ से आगे की जा रही है? ये सलमान नाम का लड़का, इसके फादर मदर कल आपसे हमसे मिले थे और उन्होंने बताया था कि हमारा लड़का अभी कल घर से गया था, वापस नहीं आया अपने दोस्तों के साथ। तो हमें पुलिस टीम का तुरंत गठन किया और इसमें लोगों को लगाया, तो वो उसके साथ ही अरेस्ट हुए और पूछताछ कर उन्होंने बताया कि शराब पीने के दौरान हुआ था और उसकी हत्या की थी,
हत्या करके और अपने घर पे ही वहाँ रखा टेम्पो ले आए थे, जो बाद में भागते समय इन लोग का रोड पे एक्सीडेंट है वो पुलिस ने बरामद किया। बिल्कुल, तो पंचायत नामा पोस्टमार्टम कार्रवाई हुई है, परिवार परिजनों को किया गया था जिसमें कानूनी कार्रवाई तभी आरोपियों के विरुद्ध होगी, सभी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इनका अंतिम संस्कार भी परिजनों की मुलाकात हो गया है, तो कोई लैंड आर्डर की भी बात नहीं है और जो आरोपी थे उनको पुलिस ने तत्परतापूर्वक 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल सुनील जी, जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, किन किन मामलों में किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है? इसमें जो आरोपी हैं इनके खिलाफ 364 आईपीसी का 392 और 302 201 आईपीसी का मुकदमा, हत्या के उद्देश्य से इनको गायब करना और इनको टेम्पो लूटना और फिर इनके शव को हत्या करके सबूत मिटाने के उद्देश्य से छिपाना, ये सारी धाराएं इसमें लगाई गई हैं। इन पे गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई भी कर रहे हैं और इनसे भी इन पे लगाया जाएगा सभी आरोपियों। बिल्कुल, चले जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। सुनील कुमार सिंह एसएसपी एटा से हमारे साथ जुड़े हुए थे फोनलाइन पर। नाम का टेम्पो चालक है जो कल सुबह अपने घर से निकला था और रात तक घर में नहीं पहुंचा, पुलिस इसमें जो है एक्टिव हो गई और आज शाम को उसकी बॉडी जो है कशेला गाँव पर था जैसा वहाँ बरामद हुई है और इसके एक साथी को जो है भी कस्टडी में लिया गया, पूछताछ चल रही है, पूरा घटनाक्रम का पूछताछ के बाद खुलासा होगा। और अब खबर अमेठी से है जहां पर अधेड़ का जला हुआ शव बरामद हुआ है। सार्वजनिक शौचालय के पास शव बरामद हुआ है। आपको बता दें कि गांव के दबंगों पर जिंदा जलाने का आरोप लगा है, तो संदिग्ध हालत में शौचालय के पास शव बरामद हुआ और परिजन जता रहे हैं जिंदा जलाने की आशंका। तो गौरीगंज के उत्तर गांव बस्ती देई का यह पूरा मामला। शिव सरोज हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। शिव सरोज, इस पूरे मामले पर और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी मनीष जी, बिल्कुल बताएंगे। ये गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के उत्तर गांव के बस्ती देई का एक मामला है जहां पर एक बुजुर्ग का घर गांव के बाहर पड़ता है, उसी घर के सामने थोड़ा आबादी की जमीन रहती है, जहां पर ग्राम प्रधान द्वारा वहां पे सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा था, वहीं बुजुर्ग द्वारा लगातार उसको मना किया जा रहा था कि आप मेरे घर के दरवाजे के सामने आप शौचालय मत बनवाए, जिसको लेकर ये विवाद चल रहा था। और वहीं कल देर रात उस बुजुर्ग को घर से उठा लिया जाता है और उसी शौचालय के पास लाके उसको जलाकर मार दिया जाता है। बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिव। और अब खबर सीतापुर से है जहां पर बुजुर्ग की गला रेत करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। हत्या कर गांव के बाहर शव को फेंका गया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मोहली थाना इलाके का यह पूरा मामला है। हत्या करने के बाद गांव के बाहर फेंका गया है शव को। आपको बता दें वह साथ हमारे संवाददाता बसंत इसी खबर पर जुड़ गए हैं। बसंत, इस पूरे मामले पर और क्या कुछ जानकारी आपके पास? पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? मनीष जी, मैं आपको बता दूं, मोहली थाना क्षेत्र के मोड़ा हुसा गांव का मामला है जहां पर बुजुर्ग व्यक्ति का आज गांव के बाहर शव मिला है। जब गांव वाले पहुंचे मौके पर जाकर के देखा तो बुजुर्ग की गांव के बाहर गला रेत के हत्या कर दी गई है। वहीं पर गांव वालों ने फौरन ही पुलिस को सूचना दी है और मौके पर पहुंच करके पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और जल्द से जल्द पुलिस खुलासे की बात कह रही है कि आखिर हत्या क्यों किस कारणों से की गई है, उसका जल्द से जल्द खुलासा करेगी। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बसंत। आपको बता दें सीतापुर से खबर है जहां पर एक बुजुर्ग की हत्या की गई है। वहीं सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल में जुटी है। और अब खबर कानपुर देहात से है जहां पर केरोसिन डाल करके जलाने का प्रयास किया गया है। रंजिश में दबंगों ने हत्या का प्रयास किया है। युवक को पकड़ करके उसके शरीर में आग लगा दी गई। युवक को जलता देख करके ग्रामीणों ने आग से बचाया। पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो रसूलाबाद क्षेत्र के खपरे मऊ गांव का ये पूरा मामला है जहां पर केरोसिन डाल करके युवक को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। वहीं सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया और आगे की कार्रवाई में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो कानपुर देहात से खबर जहां पर केरोसिन डाल करके जलाने का एक युवक को प्रयास किया गया, रंजिश के तहत दबंगों ने हत्या का प्रयास किया है। तो युवक को पकड़ करके उसके शरीर में आग लगा दी गई है। तो युवक को जलता देख करके ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसे बचाया गया। दीपक हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ गए हैं। दीपक, इस पूरे मामले पर और क्या कुछ जानकारी है? पुलिस की टीम क्या कुछ कार्रवाई कर रही है?
जी बताना चाहूंगा कि पुलिस पूरे मामले में छानबीन में जुटी हुई है और ये युवक जो है रात को पेशाब के लिए बाहर निकला था और इसका सामने के पड़ोसी से नाली और खरंजे को लेकर के विवाद चल रहा था, जिसके विवाद के चलते दबंगों ने इसे दबोच लिया और इसके ऊपर तेल डाल करके आग लगा दी और जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि इसको कानपुर के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका इलाज किया जा रहा है और पूरे मामले को जिले के SP ने संज्ञान लिया है और उसकी मामले की छानबीन शुरू कर दी है पुलिस ने। जी ये तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। और वहीं प्रयागराज वालों के लिए एक और बड़ा झटका, शिक्षा अधिकरण का मुख्यालय लखनऊ होगा।